सो गाइस यार GTA 5 जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी तक इस वाले गेम का मोबाइल वर्जन नहीं आया है और ना ही कभी आएगा, क्योंकि अभी तक GTA 4 ही मोबाइल डिवाइस के ऊपर नहीं आया है। तो GTA 5 के बारे में सोचना एकदम बेकार होगा। सो गाइस आज मैं आपको 5 ऐसे ओपन वर्ल्ड गेम्स बताऊंगा जो कि मल्टीप्लेयर होंगे एंड इस सीरीज के अंदर कुछ गेम्स GTA 5 की तरह भी होंगे। क्या बात है सर। अभी सीरीज के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है तो फिर ध्यान से सुनना। इस सीरीज के अंदर कुछ गेम्स ऑनलाइन होंगे और कुछ गेम्स ऑफलाइन होंगे। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अगर कुछ गेम्स ऑफलाइन होंगे तो वो मल्टीप्लेयर कैसे चलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि उन सभी गेम्स के अंदर आप लोग को लैन मल्टीप्लेयर का सपोर्ट मिलेगा। तो गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग इस वाले वीडियो को एंड तक देखना। एंड अब बारी है अपने इंट्रो की। सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। तो अगर आप लोगों ने चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पर अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से अपनी सीरीज को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार बिना टाइम को वेस्ट करे वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी सीरीज को नंबर वन गेम से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारी सीरीज का पहला गेम है लॉस एंजेलिस क्राइम, जो कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड के अंदर चलता है। डाउनलोडिंग साइज होगा 368 MB। ये वाला गेम 2018 में लॉन्च हुआ था और ये एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड गेम है। इस गेम में आप लोग को वैरायटी ऑफ इमर्सिव ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आप लोग GTA 5 की तरह काफी सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि किसी की भी गाड़ी चुनाना बिना मतलब किसी को मारना एंड इस पूरी सिटी को एक्सप्लोर करना। GTA 5 की तरह यहाँ पर आप लोग अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर सकते हो एंड काफी सारा फन कर सकते हो, जैसे कि आप लोग टीम डेथ मैच मोड को प्ले कर सकते हो जो कि अक्सर बैटल रॉयल गेम्स के अंदर होता है। आपको गेम के अंदर जॉम्बी सर्वाइवल मोड भी देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आप लोग अपने फ्रेंड के साथ में कार रेसिंग भी कर सकते हो और सॉकर भी खेल सकते हो। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी एवरेज होगी एंड आप इस गेम को थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन व्यू से एंजॉय कर सकते हो। और इस वाले गेम का आखिरी फीचर जो कि है लैन मल्टीप्लेयर का सपोर्ट, यानी कि आप लोग विदाउट इंटरनेट कनेक्शन इस वाले गेम को अपने फ्रेंड के साथ में मल्टीप्लेयर खेल सकते हो। 300 MB के हिसाब से ये वाला गेम काफी जबरदस्त होगा, तो आपको ये वाला गेम डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा ओपन वर्ल्ड सीरीज का गेम नंबर 2। तो गाइस हमारी सीरीज का सेकंड गेम है वन स्टेट RP। ये वाला गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। डाउनलोडिंग साइज होगा 1.5 GB। ये वाला गेम 2022 में लॉन्च हुआ है और ये एक लाइव सिमुलेशन ओपन वर्ल्ड गेम है। इस गेम के अंदर आप लोग किस कैरेक्टर का रोल प्ले करोगे ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। या तो आप लोग सही रास्ते पर चलकर पुलिस या फिर आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप लोग अपने रास्ते पर चलकर एक गैंगस्टर बन सकते हो। वैसे आप लोग को गैंगस्टर बनने में ही ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पर आप लोग को मैसिव ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिल जाएगा। सिर्फ एक मैप के अंदर 500 से भी ज्यादा ऑनलाइन प्लेयर्स होंगे। इस सिटी के अंदर आप लोग मनी अर्न कर सकते हो अपने लिए अपार्टमेंट और एक एक्सपेंसिव कार को परचेज कर सकते हो। इनफैक्ट अपने दोस्तों के साथ में स्ट्रीट रेसिंग भी कर सकते हो। इस गेम में आप लोग को मल्टीप्लेयर सपोर्ट के साथ में वॉइस चैट का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। प्ले स्टोर के ऊपर इस वाले गेम के 1 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप लोग भी जाओ एंड जाकर गेम को चेकआउट करो। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा ओपन वर्ल्ड सीरीज का गेम नंबर 3। सो गाइस हमारी सीरीज का थर्ड गेम है ऑफ द रोड। ये वाला गेम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड के अंदर चलता है। डाउनलोडिंग साइज होगा 464 MB। ये वाला गेम 2018 में लॉन्च हुआ था, लेकिन गेम के अंदर नया अपडेट 3 दिन पहले ही आया है, जहां पर डेवलपर्स ने काफी सारे चेंजेस गेम के अंदर कर दिए हैं। सो गाइस ये वाला गेम GTA 5 की तरह एक गैंगस्टर गेम नहीं है, बट फिर भी ये वाला गेम काफी मस्त होगा। ऑफ द रोड एक ओपन वर्ल्ड ऑफ रोड कार ड्राइविंग गेम है, जहां पर आप लोग कार के अलावा हेलीकॉप्टर एंड बोट को भी ड्राइव कर सकते हो। इस गेम में आप लोग को ऑनलाइन मल्टीप्लेयर का सपोर्ट मिलेगा एंड इसके अलावा लैन मल्टीप्लेयर का भी सपोर्ट मिल जाएगा। इस गेम में आप लोग 50 प्लस व्हीकल्स को ड्राइव कर सकते हो एंड उन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हो। इस गेम में डे एंड नाइट का साइकिल चलता है एंड आपको गेम में अलग अलग लोकेशंस पर सामान को ट्रांसपोर्ट करना होता है। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी नो डाउट काफी बढ़िया होगी एंड आपको गेम में मड फिजिक्स भी देखने को मिलता है। प्ले स्टोर के ऊपर इस वाले गेम के 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है एंड इस गेम को 4.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 5 में से। तो गेम की रेटिंग काफी बढ़िया है, आप लोग जाकर इस वाले गेम को अपना एक ट्राई दे सकते हो। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा ओपन वर्ल्ड सीरीज का गेम नंबर 4। तो गाइस हमारी सीरीज का फोर्थ गेम है वाइस ऑनलाइन। डाउनलोडिंग साइज होगा 359 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। ये वाला गेम 2022 के अंदर लॉन्च हुआ है और ये एक एक्शन एडवेंचर 3D ओपन वर्ल्ड गेम है। इस गेम का अर्ली एक्सेस आप लोग को प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा एंड यहाँ पर आप लोग वो सारी चीजें कर सकते हो जो कि GTA 5 के अंदर होती है, जैसे कि ओपन वर्ल्ड सिटी को एक्सप्लोर करना, अपने दोस्तों के साथ में रॉबरी वाले मिशन करना और अपने अकॉर्डिंग अपने लिए एक कैरेक्टर डिजाइन करना। आपको इस वाले गेम के अंदर बड़े साइज का ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा। आप इस वाले गेम के अंदर कार ट्यूनिंग कर सकते
सकते हो, कैरेक्टर को कस्टमाइज कर सकते हो एंड ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर अपने काफी सारे नए फ्रेंड्स बना सकते हो। इस गेम में आप लोग को मल्टीप्लेयर का सपोर्ट मिलेगा और वॉइस चैट का फीचर भी मिलेगा। ग्राफिक्स क्वालिटी आप लोग को काफी बढ़िया देखने को मिलेगी और गेम का जो साइज है वो ज्यादा नहीं है, तो आप लोग इस वाले गेम को भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा ओपन वर्ल्ड सीरीज का गेम नंबर 5। सो गाइस, हमारी सीरीज का एंड गेम है माय टाइम एट पोर्टिया। ये वाला गेम भी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड के अंदर चलता है। डाउनलोडिंग साइज होगा 920 MB। ये वाला गेम 2021 के अंदर लॉन्च हुआ था और ये एक सिंगल प्लेयर सिमुलेशन गेम है जहाँ पर आप लोग क्राफ्टिंग भी कर सकते हो। इस वाले गेम के अंदर भी आप लोग को काफी बड़ा ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग फार्मिंग कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो और अपने लिए एक एनिमल फार्म भी ओपन कर सकते हो। गेम के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों का ही कैरेक्टर आपको मिलेगा जिन्हें आप लोग डिटेल कस्टमाइज कर सकते हो। ये एक रोल प्लेइंग गेम है जहाँ पर आप लोग को चैलेंजिंग बैटल्स देखने को मिलेंगे एंड आप लोग को मॉन्स्टर से भी फाइट करनी होगी। इस गेम को आप लोग अपने फ्रेंड के साथ में खेल सकते हो और ये एक मल्टी प्लेटफॉर्मर गेम है जो कि PC एंड कंसोल्स के ऊपर भी अवेलेबल है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने आप लोग को ओपन वर्ल्ड सीरीज के 5 of 5 गेम बता दिए हैं। टाइम आ चुका है सीरीज को यहीं पर एंड करने का। तो अगर आप लोग को ये वीडियो बनाने के एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग को इन सभी गेम्स की लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग जाकर गेम को चेकआउट कर सकते हो। तो आप लोग इन वाले गेम्स को एंजॉय करो। मैं आपसे किसी ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के अंदर दोबारा मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।